हेलो स्टूडेंट, विल स्टार्ट आवर कंटिन्यू टॉपिक 11.6 कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स। कैन यू पुश और लेफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? बिना टच करे क्या बुक को आप टेबल के ऊपर रख पुश कर सकते हो? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? तो अगर बकेट को हम विदाउट टच उसको एक जगह से दूसरी जगह या होल्ड कर सकते हैं तो नहीं। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स एंड ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए तो ही वो काम होगा। तो कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और पीस ऑफ रोप। वैन यू पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शंस ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शंस ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्क्यूलर फोर्स। यानी हमें जो है कोई भी चीज़ विद द हेल्प ऑफ फोर्स हम जो पुश करते हैं, लाइक स्कूल बैग है, बकेट ऑफ वाटर है, तो उसके लिए जो है हमारे हम लोग जो ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट रहते हैं और हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो वर्किंग होता है, और इस टाइप का वर्किंग को हम क्या कहते हैं? मस्क्यूलर फोर्स कहते हैं। एनिमल ऑल्सो मेक अस ऑफ मस्क्यूलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल लाइक bullocks, horse, donkey and camel are used to perform various tasks for us. In performing these tasks they use muscular force. एनिमल भी मस्क्यूलर फोर्स जो है कैरी करते हैं, लाइक फिजिकल एक्टिविटी है और दूसरे टास्क है जो है वो कंप्लीट करते हैं, जैसे कि bullocks है, horse है, donkey है, camels है, वो भी various tasks के लिए यूज होते हैं, वो भी अपने मस्क्यूलर फोर्स करते हैं। मस्क्यूलर फोर्स ऑफ एनिमल यूज टू कैरी आउट मैनी डिफ़िकल्ट टास्क। देखो डिफ़िकल्ट टास्क वो परफॉर्म करते हैं, देखो ये फिगर्स के अंदर बताया है। सिंस मस्क्यूलर फोर्स कैन बी अप्लाई ओनली व्हेन इट इज़ कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी जो कॉन्टैक्ट में आता है ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। आर देर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट। यानी दूसरे टाइप के भी है, हमें फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस क्या है? अ बॉल रनिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। व्हेन वी स्टॉप द पेडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू द स्टॉप। यानी जब भी हम बॉल जो है ग्राउंड में फेंक देते हैं तो वो पहले तो जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। इसी तरह अगर साइकिल है तो हम कंटिन्यूस पेडलिंग करेंगे तो वो चलेगी, लेकिन जब हम पेडल स्टॉप करेंगे तो वो धीरे धीरे स्टॉप होता जाएगा। इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू द स्टॉप। अ कार और स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वन इट्स इंजन इज स्विच ऑफ। यानी कार और स्कूटर जो है उसका अगर हम इंजन बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, तो वो भी धीरे धीरे स्पीड वो तो बंद ही हो जाता है। सिमिलरली अ बोट कम्स टू अ रेस इफ वी स्टॉप द रोइंग, इट कैन बी यू एट सम मोर सच एज एक्सपीरियंस। यानी आपको क्या करना है? आपका एक्सपीरियंस जो है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज is the force of friction. This all example are, we can say, frictions. It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that bring move ball to rest. Similarly, friction between water and the boat bring it a stop once you stop rowing. Yani dekho jo abo humne jo example discuss kiya hai isi tarah same hai. The force of friction always act on is
always opposite to the directions of the motion, since the force of friction areas due to contact between surface. It is also example of contact force. You will learn more about the force in chapter number 12. यानी आप लोग जो है ज़्यादा उसके डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12. You may be wondering whether it is initially for the against applying force on a object to be always in the contact with its. Let us find out. यानी चलो हम find out कर दें. 11.7 non contact force magnetic force. 11.6 important नहीं है, लेकिन सीन फिगर्स के किस तरह से वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है. लाइक ऑब्जर्व द एट्रैक्टिव रिप्लेसमेंट बिटवीन टू मैग्नेट. यानी मैग्नेट जो है एट्रैक्टिव फोर्स करता है. इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ये एक्टिविटी भी है, लेकिन इसके अंदर सी इलेक्ट्रिक किस टाइप से होता है. स्ट्रॉ रबर विद द पेपर अट्रैक्ट अनदर स्ट्रे बट रिप्लेस इट इफ हैज़ ऑल्सो बीन रबर्ड विद अ सीट ऑफ पेपर. यानी उसको जो है वो दिया गया है. तो हाँ, यहाँ हम हमारा स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.